आपको कॉपी एंड पेस्ट सिखाया था लास्ट क्लासेस में, ठीक है। आज की टॉपिक है फॉर्मेटिंग की। आज हम आपको टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करना सिखा रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिया है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगा इसके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कवर लेटर का। कवर लेटर पता है आपको क्या होता है? तरुण शर्मा जी, कवर लेटर पता है क्या होता है? देखिए, कवर लेटर जो है हर जगह पे यूज नहीं होता है। जैसे कि कोई आप 3-4 पेजों का कुछ मेमोरेंडम बना रहे हैं, जैसे मैं अपनी कोर्स की अगर पंपलेट बना रहा हूँ, आउटलेट बना रहा हूँ, कैटलॉग बना रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मुझे एक फ्रंट पेज, जैसे बुक का फर्स्ट पेज नहीं होता है, दैट कवर लेटर कहा जाता है। कवर पेज या कवर लेटर कहा जा सकता है। तो कवर लेटर आप इंसर्ट कर सकते हैं, कवर लेटर आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर, सॉरी इसमें वर्ड में। तो ये कवर लेटर के लिए आपको इंसर्ट पे जाना, यहां दिख रहा है कवर पेज, तो कवर पेज पे इस पे क्लिक करेंगे, इतने सारे कवर पेज आपके पास आते जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, बने बनाए होते हैं, बस सेलेक्ट करके आपको इंसर्ट करना है। लेकिन अगर आपका कर्सर नीचे है तो कवर लेटर इस पेज के बाद इंसर्ट होगा। लेकिन अगर कर्सर को मैं यहां रख दूं, एंटर मार के इसके ऊपर रख देता हूं, तो कवर लेटर इससे पहले इंसर्ट होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कवर लेटर इंसर्ट कर लिया, देखा नीचे वाला टॉपिक नीचे चला गया, कवर लेटर ऊपर आ गया। डॉक्यूमेंट या अब यहाँ पे क्या बने बनाया सब चीज है, यहाँ पे टाइटल लिखना है, डॉक्यूमेंट टाइटल क्लिक किया, मैं लिख दिया एमएस वर्ड फॉर्मेट, सिंपल सा। समझ में आया तरुण जी? दोबारा बताऊं, तरुण शर्मा जी मेरी आवाज आपको आ रही है? अनम्यूट कीजिए ना सर। एक कवर लेटर समझ में आया आपको? कैसे इंसर्ट करना है और क्या इस्तेमाल होता है इसका? इंसर्ट में जाके कवर पेज हाँ, लेकिन कवर पेज लाने से पहले, जैसे कि पहले कवर पेज तो सबसे पहले लाया जाता है, जैसे आप काम करने से स्टार्ट करें वैसे आप कवर पेज लाएं। लेकिन अगर आपने काम कर लिया है, आप भूल गए हैं कि कवर पेज आपने नहीं डाला है, उसके बाद आप कवर पेज डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले पेज को सबसे ऊपर कर्सर रखें, और कर्सर रखने के बाद इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब का सबसे पहला ऑप्शन है कवर लेटर। अब इसमें कवर लेटर बहुत सारे हैं, इसमें जो आपकी सुटेबल है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद आप जैसे जल्दी करना चाहते हैं, टाइटल हो गया, उसके बाद नीचे सब टाइटल है, सब टाइटल लिखे हैं, तो जहां जहां लिखा हुआ है वहां सब टाइटल टू लर्न एमएस वर्ड फॉर्मेटिंग, इस तरह से आपने सब टाइटल लिख लें। डेट है, यहाँ पे अपना डेट डाल दें, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका ऑथर आता है, कंपनी में बाकी चीज डाल के जो भी चीज है या कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, वो आगे चलाऊंगा सिखाऊंगा। तो कवर लेटर होता है। उसके बाद कवर लेटर मैंने बता दिया कि आगे चल के सही यूज करेंगे, हम भी ने आपको इस बार बता दिया है। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से आप फॉर्मेट करेंगे अपने लिखे हुए लेटर, वर्ड, पैराग्राफ वगैरह। तो सबसे पहले जानिए कि इसमें क्या होता है, पैराग्राफ होता है, वर्ड होता है और लेटर होता है, तीन चीजें होती है। लेटर मतलब कि एक-एक करेक्टर, एक-एक जो आपका एबीसीडी जो है वो, वर्ड होता है
जो कि स्पेसेस होता है, ये देखिए जैसे कि वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल दैट इज द वर्ड, और इन सब वर्ड के मिला के एक पैराग्राफ बनता है। तो फॉर्मेटिंग उसी हिसाब से होता है, और फॉर्मेटिंग दो चीजें होती है। जैसे कि अगर आप टाइप करने जा रहे हो, यहां मुझे कुछ टाइप करना है, तो आप फॉर्मेटिंग करके टाइप करें, तो जैसा फॉर्मेटिंग आप सेट करोगे वैसा ही टाइपिंग होगा। जैसे कि मुझे यहाँ कुछ टाइप करना है, तो मैं इसका कलर रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने कलर रेड पे क्लिक कर लिया। तो फॉन्ट की साइज को बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब जो एबीसीडी की जो साइज है उसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो मैंने बड़ा कर दिया, और वो बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड हो गया। कि यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज ए फाइनल फॉर्मेटिंग, उसी तरीके से टाइप होता है, उसी तरीके से टाइप होगा। लेकिन अगर आपने टाइप कर लिया है बट आप फॉर्मेटिंग नहीं की, बट आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले बात तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सिलेक्शन चाहिए। जैसे मैं बीच बीच में से किसी कोई कोई वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूं, जैसे कि पावरफुल को, तो पावरफुल को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए भी आपको बताया था लास्ट क्लासेज में, याद होगा कि सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहां पे कर्सर रखूं और एरो की से शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस रखूं और एरो की से सिलेक्ट कर लूं, या दूसरा तरीका है कि इस पे क्लिक करूं और माउस को क्लिक रखते हुए आगे की तरफ ड्रैग करूं, जहां जैसे जैसे मैं माउस का कर्सर मूव करोगे उसे सिलेक्शन होगा। जैसे हम सिलेक्शन करते हो एक सॉर्ट फॉर्मेटिंग का बार यहां खुल जाता है, तो यही साथ ऊपर से जाने के बजाय आप यहीं से कर सकते हो। जैसे सिलेक्शन करोगे आपको ऑटोमेटिक खुल जाएगा, तो मुझे बोल्ड करना है तो मैं इस पर क्लिक करके बोल्ड कर दिया, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl B। तो जिस जिसको करना है, मुझे प्रोडक्ट को करना है, सिलेक्ट किया बोल्ड। अब हम बोल्ड क्यों करते हैं? बोल्ड इसलिए करते हैं कि जो भी पढ़ने वाला है पहले इसको पढ़े, अननेसेसरी बोल्ड नहीं करना है या अननेसेसरी फॉर्मेट नहीं करना है। फॉर्मेटिंग के लिए एक रीजन होना चाहिए कि हमें कलर रेड किया या कलर ब्लू किया या कलर ब्लैक रखा, उसका रीजन क्या है। और रीजन अलग अलग हो सकती है और डिपेंड करता है कि आप टाइप क्या बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो जहां जहां डबल क्लिक कीजिए बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के बाद दूसरा आता है हाईलाइटर, मतलब कि आप चाहते हो कि जो कोई पढ़े तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है उसको, ये जो लाइन है उसको पढ़ना ही है, कुछ इंपोर्टेंट है जो कि बोल्ड से भी ज्यादा है, तो उस केस में इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां देखिए ए बी करके ये ब्रश का निशान होगा जिसको हाइलाइटर बोलते हैं, इसको कलर यहां जाके कलर कर दीजिए। तो कलर करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका फोरग्राउंड कलर क्या है, मतलब कि एबीसीडी का कलर क्या है। एबीसीडी कलर ब्लैक है तो उसी हिसाब से कीजिए, वैसा नहीं कि ब्लैक पे ब्लैक कर दीजिए कुछ दिखेगा ही। तो सेम कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सेम नहीं करना है। तो हाइलाइटिंग ज्यादातर ग्रीन से या येल्लो से होता है। ग्रीन मतलब कि मोस्ट पॉजिटिव, येल्लो मतलब कि नॉर्मल, और रेड मतलब निगेटिव। तो तीन तरह की चीजें होती है। पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव से, जैसे कि सेल्स हुआ तो भाई सेल बढ़ा है तो पॉजिटिव, सेल घटा है तो निगेटिव, सेल नॉर्मल है तो उसके लिए येलो, तो उस तरह से हम डालते हैं। रेड हम क्यों डालते हैं निगेटिव में? क्योंकि तो आंखों को चुभता है। लाल जो होता है वो निगेटिव का, नकारात्मक का प्रतीक होता है, इसलिए रेड हम यूज करते हैं निगेटिव। ग्रीन सकारात्मक का होता है, पॉजिटिव का होता है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट कीजिए, ये आपका हाइलाइटर हाईलाइट कर देगा। उसके बाद फॉन्ट मतलब कि लिखावट, लिखावट कैसे चेंज करनी है, या यहां आपके पास हाईलाइट होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग भी होती है। जैसे कि अगर हम लगा रखा है तो हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए, तो यहां से इसको क्लियर कर सकते। देखिए
हो गया, तो इसके बैकग्राउंड कलर आई थिंक नहीं हटता है, नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं हटता है, फोरग्राउंड भी फॉर्मेटिंग हो जाए, बोल्ड इटैलिक वगैरह वो हट जाता है। अब इसमें बात करते हैं इसमें लिखावट बोल्ड, जैसे कि अब ये लिखावट आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो यहां पे क्लिक कीजिए फॉन्ट में, तो अलग अलग तरह की लिखावट सर, बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होता है, या कैलिबरी लाइट कर सकते हैं, या फिर आप बाकी जैसे एजेंसी, ये देखिए यहाँ लिखावट, यहाँ देखिए ये चेंज होगा, मैं पूरे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कि पूरे का लिखावट अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अलग तरीके का होना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट है, जैसा सिलेक्ट करेंगे आपकी लिखावट उस तरीके से चेंज होगी। एरियल जो है सबसे पॉपुलर है, एरियल ब्लैक का बोल्ड होता है, एरियल नैरो भी लिखा जाता है, एरियल राउंडेड है, एरियल यूनिकोड है। अब जैसे कि आपको हिंदी में टाइपिंग करना है, ये आपका हैंडराइटिंग है, ये भी आपका हैंडराइटिंग है, तो ये अलग अलग तरह के फॉन्ट है, ये भी आपका हैंड राइटिंग है, इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, तो अलग फॉन्ट। अब बात करते हैं हिंदी में टाइपिंग का, तो हिंदी के लिए आपको हिंदी का फॉन्ट पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जैसे हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हिंदी का फॉन्ट जो है कौन सा है, और अप्लाई कर दीजिए, फिर हिंदी में आप टाइप कर सकते हो। लेकिन हिंदी में टाइप करने का दूसरा तरीका भी है, हम आगे आपको बताएंगे। तो फॉन्ट सही, लेकिन फॉन्ट का तरीका जो है बहुत पुराना तरीका, लेकिन आजकल नए तरीके आए, उस नए तरीकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें हिंदी का फॉन्ट नहीं है, मैं कल हिंदी का फॉन्ट डाल दूंगा फिर बताऊंगा। तो फॉन्ट मतलब कि लिखावट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, कि कोई बड़ा या छोटा क्या होना चाहिए, टाइटल बड़ा होता है, नॉर्मल चीज छोटा होती है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये तो हुआ कि आप फिक्स है, फिक्स साइज ले सकते हो, दूसरा है कि अपने मर्जी से 1 by 1 करके यहां से इंक्रीज, या यहां से ऊपर जो दिख रहा है डिक्रीज कर सकते हो, 1 by 1 1 by 1 इस तरीके। अब यहां पे आता है चेंज केस, मतलब कि ये क्या है, टाइटल केस है, मतलब कि फर्स्ट लेटर बड़ा है और बाकी सब स्मॉल है, तो यहां जो ए और ए छोटा लिखा हुआ है, इस पर कर्सर रखते आता है चेंज केस, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे सेंटेंस सेंटेंस केस, मतलब कि फर्स्ट लेटर बड़ा होगा, फिर लोअर केस एवरीथिंग छोटा हो जाएगा, अपर केस कैपिटल लेटर में देखिए सारा कैपिटल लाइज इच वर्ड, मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा, और ये टुगल केस, कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा हो जाएगा, लेकिन जनरली हम लोग सेंटेंस केस पे चलता है, सेंटेंस केस हुआ। कभी कभी पे हम जब कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं उसको हम यहां कैपिटलाइजर इच वर्ड में इस्तेमाल करते हैं, या कैप्स केस में इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपके पास आता है टेक्स इफेक्टेड टाइपोग्राफी, कि आपका जो टेक्स है वो थोड़ा सा अलग इफेक्ट आना चाहिए, जैसे टाइटल वगैरह आपने लिखा है थोड़ा सा इफेक्टिव अलग दिखना चाहिए, तो वो चीजें आप यहां से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसका इस तरह से दिखेगा, इसकी भी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहां पे हम आउटलाइन, इसकी बाहर की कलर कैसा होना चाहिए, कलर वो डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लैक होना चाहिए, देखिए ब्लैक आ गया, बीच का कलर, तो ये चीज आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हो, शैडो होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि नहीं, रिफ्लेक्शन शीशे की तरह, ग्लो ग्लो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या नंबर स्टाइल में डिफॉल्ट होना चाहिए, तो ये सारे स्टाइल्स। तो
इसको एक एक बार अप्लाई करके इसका इफेक्ट देखने की कोशिश करें, तो एक एक करके अप्लाई करने का कोशिश करें तो सही रहेगा। अब जैसे कि अब इसमें आता है बोल्ड, हम इसे बोल्ड कर दिए, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन आपका अंडरलाइन हो जाता है, एबीसीडी से कोई वर्ड गलत लग रहा है आपको, आप शो करना चाहते हैं कि वर्ड गलत है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ बीचों बीच काट सकते हो, तो बीचों बीच आपका ब्लैंक हो जाएगा। फिर आता है ए, आपका आता है सबस्क्रिप्ट, ये आता है सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या है इसको देखिए, जैसे मुझे 10 स्क्वायर लिखना है तो मैं 102 लिखूंगा और 2 को सिलेक्ट करके मैं यहां पे कर दूंगा सुपरस्क्रिप्ट, 10 स्क्वायर हो गया। ऐसे 10 डिग्री लिखना है तो 10 और स्मॉल में ओ लिखूंगा, ओ को सिलेक्ट करूंगा और यहां देखिए सुपरस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर आता है सबस्क्रिप्ट, जैसे मैंने वाटर का फॉर्म लिखा H2O, अब H2O को 2 को सिलेक्ट किया और इसको मैं सब स्क्रिप्ट करूंगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इसके लिए होता है। तो फॉन्ट में आज हमने सीखा, एक बार ओवरव्यू करता हूं, सबसे पहले हमने सीखा इंसर्ट से ये लाना, क्या बोलते हैं कवर लेटर, देन हमने सीखा कि किस तरीके से हम हाईलाइट करते हैं, टेक्स्ट की कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज करते हैं, केस को कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग को क्लियर करते हैं, तो क्लियर हो गया। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, थ्रू लाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यहां फॉन्ट में जितने भी चीजें दिख रहा है सबको एक एक बार इस्तेमाल करके देखिए आप, उसका इफेक्ट तो समझे, जिसका इफेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको अपने नोट पैड में नोट करें और कल मुझसे पूछे कि सर इसका इफेक्ट क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया, और मैं चीज को रिपीट करूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पैराग्राफ की टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हमने अभी 2 टॉपिक, एक क्लिपबोर्ड मतलब कि कॉपी एंड पेस्ट करना सीखा और दूसरा हमने फॉन्ट को सीखा, और अगली क्लास में हम सीखेंगे पैराग्राफ।